नमस्कार, आप देख रहे हैं एनकेपी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आईपीएल 2020 में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स जो बिना सुरेश रैना के खेल रही है, काफी कमजोर नजर आ रही है। वहीं दिल्ली और पंजाब की टीम इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करने में लगी है। अभी तो आईपीएल का बस आगाज हुआ है, ऐसे में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन सी टीम टॉप चार में पहुंचेगी, क्योंकि जो टीम पॉइंट टेबल के निचले पायदान पे है वह हो सकता है कि आईपीएल के अंतिम मैच आते आते टॉप पर भी पहुंच सकती है। लेकिन इसी बीच पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने आईपीएल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक मीडिया इंटरव्यू में जब दादा से पूछा गया कि कौन सी टीम टॉप चार में पहुंच सकती है, तो बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने बताया कि इस साल आईपीएल न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा है, ऐसे में किसी भी टीम को उसके घर पर खेलने का ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। ऐसे में जो टीम यूएई की धरती पर ज्यादा अच्छा करेगी वो जीत सकती है। फिर भी सौरव गांगुली ने हालिया टीम कॉम्बिनेशन और फॉर्म को देखते हुए उन्होंने चार ऐसी टीम का नाम लिया जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। सौरव गांगुली ने टॉप चार टीमों में ना तो मुंबई इंडियंस को जगह दी है और ना ही कोलकाता नाइट राइडर्स को। गांगुली ने बताया कि सबसे पहली टीम जो इस साल ज्यादा सॉलिड लग रही है वह दिल्ली कैपिटल्स है और ये टीम टॉप चार में अपनी जगह जरूर पक्की करेगी। वहीं नंबर दो पर उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब तो नंबर तीन पर चेन्नई सुपर किंग्स को जगह दी है। नंबर चार पर दादा की पसंदीदा टीम सनराइजर्स हैदराबाद है। दादा ने बताया कि ये चार टीम इस साल आईपीएल के टॉप चार में पहुंच सकती है। इसके पीछे गांगुली ने तर्क देते हुए बताया कि इन टीम के पास बेहतरीन डेथ ओवरों वाले गेंदबाज हैं, साथ ही इनके पास ऐसे स्पिनर्स हैं जिनका जलवा यूएई की जमीन पर दिख सकता है। आपके अनुसार वो कौन सी चार टीम होगी जो आईपीएल के टॉप चार में जगह बनाएगी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आईपीएल और क्रिकेट जगत के बेहतरीन खबरों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन खबर के साथ, तब तक देखते रहिए एनकेपी स्पोर्ट्स।